हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। देखिए, पाइथन के अंदर अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का कैलकुलेटर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, क्या क्या करेंगे उसमें, इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। और एक परफेक्ट बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा आपको। तो बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ और ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानिए कि बाइनरी टू डेसिमल हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखिए, आप कुछ इस तरीके का काम करते होंगे कि यहाँ पर जैसे ये लिखा मैंने 12, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, ये 12 लिखा और इसको बाइनरी, ये मतलब डेसिमल में है और इसको हमें किस में बदलना है, बाइनरी वाले में बदलना है, यानी बाइनरी में जाना है, ठीक है। यानी डेसिमल से बाइनरी में जाना है। तो इसके लिए हम करते क्या है, आमतौर पर हम यही करते हैं कि यहां से एक इस तरीके से लाइन बनाते हैं, ठीक है, और लाइन बनाने के बाद इस तरीके से इसे घेर लेते हैं और अब यहां पर हम 12 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 12 लिखते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे 12 लिख लिया हमने, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है ना, तो यहाँ पे 6 कर लिया हमने, ठीक है। और क्या बचेगा, अगर मान लीजिए 12 को हम डिवाइड करते हैं, ये लिखा 12, फिर से देखिएगा ध्यान से, ये 12 लिखा और इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, तो कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर कहिएगा इसे, तो 2 6 जा 12 होगा ना। और यहां पर जब नीचे 12 लिख देंगे तो यहां पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी जीरो बचेगा, यानी यहां पर बच रहा है आपका जीरो, ठीक है। तो जो जीरो बचेगा उसको यहां पर हम लिख देते हैं, यानी रिमाइंडर को यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर इसको डिवाइड करते हैं 2 से। ये मात्र एक एग्जांपल भर है, आप किसी भी डेसिमल नंबर का कन्वर्जन बाइनरी में कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेटर में बनाने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6 होता है और फिर यहां क्या बचता है, जीरो ही बचता है, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा और यहां रिमाइंडर जीरो ही बचेगा। फिर इसको हम ऐसे घेर लेते हैं और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस बार तो क्या होगा कि अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे तो 3 है, ठीक है, और 3 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो एक ही बार में जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में तो आपको आंसर लाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक बार ही ये जाएगा और यहां पर होगा 2 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, ये आपका रिमाइंडर है, ये जो दिख रहा है ना ये चीज, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहां पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम साइड में लिख देते हैं, यानी यहां पर लिख देते हैं, यानी 2 1 2 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें इसे भी लेना होता है, ये जो लास्ट में 1 आया है इसे भी लेना ही होता है, ये तो आपको पता ही है, तो यहां पर अब उल्टा चलना है, तो उल्टा चलेंगे तो यहां आएगा 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0, यानी ये आपका आंसर आएगा अगर आप डेसिमल टू बाइनरी कैलकुलेटर बनाते हैं पाइथन में तो, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सवाल यही है इसको आप कैसे करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे हम और देखेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, फंक्शन के ही मदद से करेंगे इसे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, फंक्शन बनाते हैं पाइथन में। तो यहां पर पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट को मैं ओपन करता हूं और इसी पर कार्य करना है हमको। तो यहां पर हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं और यकीन कीजिए फंक्शन की मदद से बनाएंगे और ये 100% वर्क करेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ना तो डिफाइन यूज करते हैं ना तो डेफिनेशन यूज करते हैं, सिर्फ डेफ लिखते हैं इस तरीके से। इसका मतलब तो डिफाइन ही होता है लेकिन लिखा जाएगा डेफ, ठीक है। और यहाँ पे डेस टू बिन करूंगा, क्या लिखूंगा, डेस टू बिन नाम से फंक्शन बना रहा हूं, यही हमारा फंक्शन है डेस टू बिन, ये फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं ए नाम से, ले लिया। और यहां पर फंक्शन बनाने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलन लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि ए में वो वैल्यू आएगी जो कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बाद आएगा, ठीक है। तो यहां पर ए में वो वैल्यू आ जाएगी, अब एंटर करेंगे नीचे, अब यहां पर इफ एल्स की कंडीशन देंगे। तो देखिए भाई, डेसिमल नंबर जीरो तो हो नहीं सकता है, ठीक है, जीरो से ज्यादा, जीरो से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे और ए इज ग्रेटर देन क्या करेंगे, जीरो करेंगे, यानी जीरो से जब भी होगा तो ये ग्रेटर ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इसी फंक्शन को जो हमने बनाया है डेस टू बिन नाम से, इसको हमें लेना होगा फिर से, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम इसको डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, तो यहां पर डिफाइन कर देते हैं डेस टू बिन नाम से। तो ये डेस टू बिन किया हमने और अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कैसे हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होगा, अगर हम ए को फ्लोर डिवीजन करा दे, देखिए ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, फ्लोर डिवीजन, यानी ये हमेशा इंटीजर में ही रिजल्ट आपको देगा, डेसिमल में जाएगा नहीं। अगर मान लीजिए 5 को डिवाइड करना है तो
तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 2 जब 4 होगा 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 2 ही आंसर दे देगा। समझ रहे बात को? जस्ट लाइक दिस कि हमने जब ये कन्वर्ट किया था तो यहां कितनी बार जा रहा था और कितना रिमाइंडर बच रहा था, ये आ रहा था ना, तो ये भी बिल्कुल फ्लो डिवीजन यही काम करेगा कि आपको इंटीजर में ही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो हमें तो इंटीजर की ही जरूरत है। अब यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। क्या लिखेंगे प्रिंट में? प्रिंट में लिखेंगे a को मॉड्यूलो करवा दे रहे हैं, मॉड्यूलस करवा दे रहे हैं। a को मॉड्यूलस किससे करवाएंगे हम? 2 से करवाएंगे। ठीक है, प्रिंट में a को 2 से मॉड्यूलस करवा देंगे और यहां लिखेंगे एंड इज इक्वल टू डबेटेड कॉमा ओपन डबेटेड कॉमा क्लोज, यानी सेम लाइन की बात हो रही है, इसी लाइन में चाहिए। मतलब ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये वाला, ये जो डेसिमल टू बाइनरी वाला आएगा, ये पहली लाइन यहां पे जो लिखी गई है, यहां पर देख सकते हैं डिफाइन करते वक्त, ये तो ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये और यहां पे ये जो प्रिंट में रिजल्ट आएगा वो, ये दोनों एक ही लाइन में आना चाहिए। एंड का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको सिंपल ही एंटर करना है। ठीक है, एंटर जैसे ही करते हैं तो हमारा कर्सर आता है यहां पर। ठीक है, लेकिन ये कर्सर हमारा जाएगा एल्स, मतलब इफ के ठीक नीचे, क्योंकि यहां पे हम एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ के बाद जो कीवर्ड आता है वो एल्स होता है। ठीक है, अब यहां पर लिखता हूं मैं प्रिंट और यहां पे डबेटेड कॉमा को ओपन करता हूं और यहां डबेटेड कॉमा को क्लोज कर देता हूं, यानी खाली प्रिंट करवा दे रहा हूं इसे। और एक और वेरिएबल बना लेते हैं, किस नाम से बनाएंगे अब वेरिएबल? तो अब जो वेरिएबल बनाएंगे हम वो किसी भी नाम से बना सकते हैं, तो हम यहां पर ए नाम से ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम बी कर लेते हैं। तो बी इज इक्वल टू यूजर द्वारा एंटर करवाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे इंट, और क्योंकि डेसिमल नंबर एंटर करवाएंगे तो वो तो इंटीजर ही होगा ना, फ्लोट तो होगा नहीं। और यहां पे इनपुट फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं और यहां पे लिख देता हूं एंटर और डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। तो होगा ये कि यहां पे डेसिमल नंबर यूजर एंटर करेगा और जो भी डेसिमल नंबर यूजर एंटर करेगा उसको पहले तो फ्लोर डिवीजन करवाया जाएगा, फिर मॉड्यूलस करवाया जाएगा, और जो आती जाएंगी वैल्यूज उसको स्टोर करता जाएगा। अब चूंकि हमारा फंक्शन बना है डेस्ट टू बिन नाम से, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेस्ट टू बिन जो है यहां पे कॉल करेंगे, यानी फंक्शन को अब हम जा रहे हैं कॉल करने। तो यहां पर हमने कर दिया है फंक्शन को कॉल। ठीक है, और ये लिख करके आपको क्या करना है, यहां पे ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, यहां पर क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, और यहां पर चूंकि हमने बी में वो वैल्यू दिया हुआ है तो यहां पर बी दे देना है आपको। ठीक है, तो ये बी दे दिया हमने, अब इसको चलाने की बारी है। F5 करके चलाएंगे तो क्या ये काम करेगा, ये सोचने वाली बात है। एकदम सही इंप्लीमेंटेशन हो रहा है प्रोग्राम का। यहां पे डेस्ट टू बिन कर देता हूं और डॉट पीवाई लगा देता हूं, एंटर करता हूं, ये देखिए। तो यहां पे अब कह रहा है ना एंटर अ डेसिमल नंबर, क्योंकि हमने यही लिखा था ना, देखिए ना यहां पे यही लिखा था। तो अब अगर हम कोई डेसिमल नंबर एंटर करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो यहां पर हमने डेसिमल नंबर लिया था 12, इसी को एंटर करते हैं, यानी 1100 आना चाहिए इसका। तो क्या हमारा सही कैलकुलेटर बना है, तो इसको चेक करने का अच्छा तरीका है। तो यहां पर मैं कर देता हूं 12, अब जैसे ही एंटर करेंगे तो 1100 आना चाहिए। तो यहां पे देख सकते हैं बिल्कुल सही आ रहा है, 1100 ही आ रहा है, यानी एकदम सही प्रोग्राम को चलाया गया है, प्रोग्राम में इंप्लीमेंट जो किया गया बिल्कुल ठीक किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ दूसरा देखते हैं, हम यहां पर चेक करते हैं इस प्रोग्राम को फिर से। तो यहां से इसको फिर चलाता हूं, इस बार हम कुछ और एंटर करने वाले हैं, लाइक 55 एंटर करते हैं। तो ये देखिए 55 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 1100111 आ रहा है। जब आप इसको चलाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली जो है आप कॉपी पे जो है इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इतना ही आएगा, और हमारा ये लॉजिक जो है बिल्कुल परफेक्ट है और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे फिर चलाया मैंने, तो यहाँ पे अगर मैं चलाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 105, तो 105 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो ये आएगा, देख सकते हैं। तो एकदम परफेक्ट कैलकुलेटर बनकर के तैयार है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैलकुलेटर कैसे बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।